बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, शायद कोई और 2 4 और आ जाए बच्चे। एप्लेट को देखते हैं क्या होता है ना। तो एप्लेट और सबसे पहली चीज़ आती है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन का यूज़ किया है, एप्लेट का यूज़ नहीं किया होगा। हाँ, जिन बच्चों ने अपना पर्सनली जावा को अलग से पढ़ा होगा या कोर्स किया होगा, तो उन्होंने एप्लेट को ज़रूर यूज़ किया होगा। तो हम लोग के सिलेबस में भी एप्लेट है, जो इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में है। तो जितना कवर होगा उतना कवर करते चले जाएंगे। तो एप्लेट जी के लिए स्पेशली रूप से अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए गए, इनसे भी अलग भी है। मैं आपको अब बताऊंगा कि एप्लेट क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इन पॉइंट्स की बात करें तो एन एप्लेट इज़ अ डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव जावा प्रोग्राम दैट कैन रन इन साइड अ वेब पेज। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कह दिया कि वेब पेज के अंदर रन करता है हमारा एप्लेट, ठीक, डिस्प्ले बाय अ जावा इनेबल्ड ब्राउजर। तो जावा जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तब भी जावा इनेबल्ड ब्राउजर का बात की थी। अगर याद हो तो जो हम लोगों ने क्लासेस यूनिवर्सिटी के अंदर किए थे, उसमें यहाँ पे इसके लिए भी आया था कि आपको याद हो तो, एक हॉट जावा सबसे पहला ब्राउजर बनाया गया था, जिसके इसके लिए जिसमें हमारे जावा के प्रोग्राम रन कर रहे थे। तो वहीं से ये डेवलप होना चालू हुआ था। और इस एप्लेट को स्पेशली रूप से एप्लेट को स्पेशली रूप से छोटे छोटे प्रोग्रामों के लिए डेवलप किया गया था, ताकि ये जितनी भी यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो आप इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं वेब पे। इसमें ज़्यादा इस तरह का कोई भी काम नहीं किया था जो डेटाबेस से रिलेवेंट हो। डेटाबेस से इन द सेंस, यानी कि यूजर डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर रहा है और वहाँ से फैचिंग कर रहा है। इस तरह का काम ना करके एपलेट की हेल्प से यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम सबसे ज़्यादा किया जाता है। कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम ये कहें कि इसमें अगर डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं की जा सकती, ये इसको मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यूज़ कम किया जाता है। और एप्लेट का बनाने का टारगेट सिर्फ इतना ही था कि जो इतने भी हमारे यूजर्स हैं, यानी कि पब्लिक है, उसको जो प्रोग्रामर की एंड से जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो वो प्रोवाइड की जा सके। जैसे अपन सेकेंड पॉइंट में देखते हैं क्या है। एन एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अ एचटीएमएल पेज। ऑटोमेटिकली जब वेब की बात की जाएगी तो एचटीएमएल पेज से ही साथ ही एम्बेडेड होगा। एक्सक्यूटेड ऑन जावा, फिर से वही चीज़ है, क्योंकि जो हमारा पहले ये वाला लाइन है, तो हमारा ये भी किससे, ब्राउजर से। एचटीएमएल किसने में अटैच है, ब्राउजर से अटैच है। और बगैर ब्राउजर से एचटीएमएल अटैच है, तो हमारा
ये भी प्रोग्राम आप ब्राउजर के बेस पे ही रन करेगा, तो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल जो प्रोटोकॉल है उसके साथ कोरिलेवेंट करके ही रन करेगा। यूजिंग एप्लेट वी कैन क्रिएट मल्टीमीडिया गेम्स। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया गेम्स, क्विज और वेरियस सच इंटरेक्टिव। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कुछ इस तरह की बात की जा रही है कि जो जिसके बेस पे हम यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा गेम्स, गेम्स का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत हैवी हैवी हम गेम, जितने भी छोटे छोटे काम हो सकते हैं वो कर दें और यूजर को प्रोवाइड करते हैं जो इजिली उस पर वर्किंग कर सके, है ना। तो इस तरह की सारे काम जितने भी आप यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने, गेम खेलने, क्विजेस बनाने से रेलेवेंट कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं आता है। अगर लार्ज एप्लीकेशंस या फिर प्रोजेक्ट की बात की जाएगी तो एप्लेट में नहीं बनाए जाते, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते लेकिन बनाए नहीं जाते, क्योंकि वो हम ब्राउजर्स पे रन कराते हैं और क्लाइंट साइड पे आप ये काम कर रहे होते हैं। इट वर्क एट अ क्लाइंट, अब ये देखिए जो मैं क्लाइंट साइड की बात करते हैं यहाँ पे भी, इट वर्क एट क्लाइंट साइड नो लेस रिस्पॉन्स टाइम। तो आपको जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो थोड़ा काफी कम लग रहा होता है, सिक्योर्ड होता है एप्लेट, ऐसा नहीं है कि हमारा एप्लेट सिक्योर नहीं है, उसमें भी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाता है। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर्स रनिंग अंडर द, हाँ अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, रनिंग अंडर प्लेटफॉर्म्स, किन किन प्लेटफॉर्म्स में रख सकता है, लाइनक्स है, विंडोज है, यानी कि अगर आप ETC लगा दिए तो आप मैक्सिमम टाइम पे जितने भी ब्राउज जो हमारे OS होते हैं उनमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है एप्लेट, और वहाँ पे हम रन करा सकते हैं। जहाँ जहाँ जावा की केवल ब्राउजर के फॉर्मेट में सपोर्ट कर सकती है, जहाँ तक हम समझते हैं तो आज के टाइम में सारे सिस्टमों में हमारा इंटरनेट रन करता है, वहाँ पे ब्राउजर रन करा होता है, अगर ब्राउजर रन करा तो एप्लेट हमारा इजिली रन कर जाता है, वहाँ पे कोई इशूज नहीं आ रही होती है। इसीलिए लास्ट में इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ना बता के ETC मेंशन कर दिया, यानी कि ढेर सारी चीज़ों में जितने भी आपके आप जानते हो सब में ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पे रन कर जाएगा, शायद ही कोई एक्सेप्शन हो तो उसमें ना रन करें। प्लगइन इज रिक्वायर्ड एट क्लाइंट ब्राउजर। अब इतना जरूर होनी चाहिए आपके सिस्टम में ब्राउजर की सुविधा होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अगर ब्राउजर नहीं होगा तो ये किससे प्लगइन करेगा। तो यही इन्होंने कहा है कि प्लगइन इज रिक्वायर्ड एट क्लाइंट ब्राउजर टू एक्सक्यूट एप्लेट, यानी कि आपका सिस्टम में इंटरनेट को रन कराने की यानी कि कोई ना कोई ब्राउजर होना चाहिए, स्पेशली रूप से अगर हम एप्लेट की बात करते हैं तो बिना ब्राउजर के उसको फिर रन कराना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एप्लेट व्यूअर की हेल्प से अलग से उसको रन कराते हैं, लेकिन फिर भी ब्राउजर की फंक्शनलिटी HTML की फंक्शनलिटी सपोर्ट करनी चाहिए तभी वो रन कर पाएगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो दो क्लासेस की स्पेशली रूप से यहाँ पे आप मेंशन किया, कंसिस्ट ऑफ टू इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स, दो लाइनें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और इनडायरेक्ट हम कहें कि दो पैकेजेस इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक है हमारा इम्पोर्ट जावा डॉट AWT, AWT का फुल फॉर्म भी मैंने इसलिए मेंशन कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, यानी कि अगर आपको कुछ भी विंडोज से रिलेवेंट वर्क है, यानी कि आपको अभी मैं दिखाऊंगा छोटे छोटे अपने फॉर्म बना के उसको डिस्प्ले कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हो, AWT का यूज़ कर रहे हो, तो हमें उसकी भी फंक्शनलिटी, उसकी भी लाइब्रेरी लोड करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन करना कंपलसरी हो जाएगा। साथ ही साथ जो एप्लेट है उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि एप्लेट क्लास को भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब आप यूज़ करोगे। एप्लेट क्लास में बने बनाए ढेर सारे फंक्शंस हैं, अभी आप देखोगे एप्लेट की पूरी लाइफ साइकिल वो बनी हुई है जिनको भी हम लोग समझेंगे, तो वो सारी फंक्शनलिटी जो बनी है उनको हम डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं, तो हमें एप्लेट को भी इनहेरिट करना ही करना है क्योंकि हम एप्लेट पे वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों के बिना आप अगर सही से देखें तो फिर हम कोई काम नहीं कर सकते, तो ये दोनों लाइब्रेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज जो क्लियर कट है, जो शायद अगर वैसे तो सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एप्लेट की बात करें तो हम ब्राउजर की बात करेंगे और ब्राउजर हमारा कंसोल नहीं हो सकता, है ना, तो ये GUI ही होगा, इसलिए लाइन मेंशन है कंपलसरी है, इसलिए मेंशन कर दिया, नहीं तो फिर आप इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि एप्लेट का मतलब वो दूसरा फॉर्मेट में आ गया, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि सारा काम हमारा ऐसा हो रहा है जो ग्राफिकल फॉर्मेट में हो रहा होगा। AWT सपोर्ट्स विंडोज बेस ग्राफिकल इंटरफेस, ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे भी नीचे दे दिया विंडोज बेस ग्राफिकल इंटरफेस को
AWT सपोर्ट करता है, यानी कि जितना भी आप विंडोज रिलेवेंट ग्राफिक्स का वर्क करोगे ऑटोमेटिकली वो AWT का सपोर्ट करेगा ही, तो आपको वो क्लास भी इनरोल्ड करना ही करना है। अब ये देखिए यहाँ पे सब क्लास ऑफ एप्लेट, यानी कि अगर आपको एप्लेट यूज करना है तो आप हर कंडीशन पे एप्लेट क्लास को इनरोल्ड करना ही पड़ेगा। तो एप्लेट क्लास जब आप इनरोल्ड करोगे तो एप्लेट पैकेज का यूज करोगे आप, क्योंकि एप्लेट के पैकेज के अंदर ही एप्लेट क्लास आपको मिलेगी, तो हर कंडीशन पे आप एप्लेट क्लास का भी यूज करोगे, तभी आप एप्लेट का यूज कर पा रहे होगे। एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जितना भी काम करते हैं पब्लिक के लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए इसमें ज्यादातर कुछ नहीं होता, जो एप्लेट की बात स्पेशली रूप से करते हैं, तो ये डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, इसको हम पब्लिक बनाते हैं बिकॉज इट विल बी एक्सेस्ड बाय कोड, मतलब आउटसाइड। आपको मेन चीज है कि जो काम एप्लेट में हो रहा है वो यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है, अगर यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दिया जा रहा है तो यानी कि वो पब्लिक होगा। तो एप्लेट के मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे कि आप हर कंडीशन पे एप्लेट को पब्लिक ही डिक्लेयर करोगे, तभी उसका यूज आप कर रहे होगे। अब यहाँ पे हम आते हैं हायरार्की में, यानी कि एप्लेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से, अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा और पहले भी जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट आपको हम वहां पे भी याद कराएंगे जहाँ पे हम लोगों ने बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्लास का भी यूज देखा था और अपना भी अपने क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया था। तो अगर याद हो तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लास की स्पेशलिटी क्या होती है, जितने भी उसके अंडर में आने वाले, अब आप देख ही रहोगे नीचे कितने ढेर सारे उसके नीचे के सब क्लासेस हैं, या फिर आप जो बोलोगे, अब इन ये सारी चीजों के जिसका भी आप वेरिएबल्स बना लो, जिसका भी आप ऑब्जेक्ट बना लो, तो आप ऑब्जेक्ट क्लास में इजिली स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, हर कंडीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट क्लास टॉप पे ही एग्जिस्ट करेगी, ये हम डाउन नहीं ले जा सकते, ऑलवेज टॉप पे रहेगी। अब इसके अंदर कंपोनेंट, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम एप्लेट को ध्यान में रखते हुए आपको ये हायरार्की बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंटेंट की हो सकता है ढेर सारी हायरार्की आ जाए। अभी हम डेटा टाइप की बात करेंगे तो उनकी अलग से हायरार्की बनने लगेगी, तो अभी हम एप्लेट को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर एक सीक्वेंस जो एप्लेट का बना हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे, हाँ, उसके बाद कंटेनर, पैनल और एप्लेट। तो एप्लेट यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, एप्लेट क्लास एक्सटेंड्स पैनल, यानी कि एप्लेट ने पैनल को एक्सटेंड किया है, पैनल क्लास एक्सटेंड कंटेनर, इसने कंटेनर को एक्सटेंड कर रखा है, विच इज अ सब क्लास ऑफ कंपोनेंट, जो हमारी सब क्लास कौन सी, कंपोनेंट, और कंपोनेंट किसकी सब क्लास है, ऑब्जेक्ट की। इसी तरह से जे एप्लेट किसकी सब क्लास है, एप्लेट की। तो एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, फिलहाल हमें जे एप्लेट तक नहीं जाना है, हमारे पास जो मेन वर्किंग है वो एप्लेट तक है, जो हम लोग के सिलेबस में है, तो वही हम वहीं तक कंसीडर करेंगे। तो एप्लेट क्लास के अंदर पूरी इस तरह से हायरार्की बनेगी। तो आप कभी भी अगर मैक्सिमम टाइम पे आप ये देखोगे कि ऑब्जेक्ट क्लास का अगर आपने कोई कंटेंट बनाया है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, तो उसमें आप किसी भी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हो। इसमें एक चीज और याद दिला देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, जब आप ये काम करेंगे तो आप क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग में भी आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, कई जगह यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्ट क्लास सबको स्टोर कर लेता तो इसके साथ इश्यूज भी जनरेट होते हैं, और यही इश्यूज जो थे हम लोगों ने जेनरिक में भी रिसॉल्व किए थे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्लास की ड्रॉबैक्स थे उसको जेनरिक ने रिसॉल्व किया था, अगर याद हो तो। अभी हम जेनरिक पे ना जाके हम आपको सिर्फ ओवरव्यू में बता के आगे मूव कर रहे हैं, यानी कि हम एप्लेट पे रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लेट और एप्लीकेशंस की। एन एप्लेट रिक्वायर, अब नेचुरल सी बात है, इतनी देर से हम किसी बात ब्राउजर की बात करें तो हमारा ब्राउजर पर रन होगा, जो अभी हम एप्लीकेशंस दिखाएंगे वो हमारी किस पे नॉर्मल रन होती है, हमारे सिस्टम में रन हो जाती है, क्लाइंट साइड पे हो जाती है, हमारी सर्वर साइड पे हो जाती है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आपको जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, जितनी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप रन करा सकते हो, लेकिन इसको आप ऑलवेज ब्राउजर पे ही रन कराओगे। देयरफॉर इट टेक लॉन्गर टू एक्सक्यूट, अब ऑटोमेटिकली ब्राउजर के लिए है, तो भी मैं रन करके भी दिखाऊंगा तो ब्राउजर लोड होने में टाइम लेता, तो वो हमारा नॉर्मल एप्लीकेशन की अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब इसमें जो हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन की जा रही होती है उसमें हमारा मेन मेथड एग्जिस्ट करता है,
जो सारी वर्किंग कर रहा होता है, और इसमें इनिट फंक्शन होता है और इनिट मेथड होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, इनिशलाइज कर रहे होते हैं, उसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, या फिर इसके बाद कहें कि हम स्टार्ट मेथड हमारा स्टार्ट हुआ। तो मेन यहाँ नॉर्मल एप्लीकेशन जो हम लोग होते हैं उसमें मेन मेथड होता है, और इसके अंदर इनिट मेथड होता है। एन एप्लेट मस्ट बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग, अब किसको एक्सटेंड कर देगा, जिसकी इतनी देर से बात कर रहे हैं, एप्लेट क्लास के थ्रू, और एप्लेट क्लास बाय डिफॉल्ट हमारा एप्लेट के लिए यूज होगी, तो हमारा एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज होगी। तो एप्लीकेशन में वैसे भी इस तरह की कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं होती कि जिसको हम एक्सटेंड करें और उसके बाद हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के बाद ही कोई काम करें। इनहेरिटेंस ऑप्शनल पार्ट होता है, अगर हमें रिक्वायरमेंट होती तो अपने अदर्स क्लास को इनहेरिट करते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम विदाउट इनहेरिटेंस के भी अपना नॉर्मल प्रोग्राम्स बना लेते हैं। इसमें कंपलसरी है कि आपको एप्लेट को इनहेरिट करना ही है। एन एप्लेट कैन रीड राइट एक्सक्यूट फाइल ऑन द, अब रीडर्स मशीन, जहाँ पे रीडर्स है वहाँ की बात की जा रही है, इफ द ब्राउजर इज हाईली सिक्योर रिस्ट्रिक्शन। अब कहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते हो, देखो ये इस लाइन में दोनों चीजें मेंशन की गई हैं। एक चीज अगर हम इस नॉट को हटा दें तो एप्लेट कैन रीड राइट एक्सक्यूट सारा काम कर सकता है, और कहाँ कर सकता है, अपनी नॉर्मल मशीन पे। अगर कोई ऐसी मशीन है जहाँ पे हाईली रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, यानी कि ब्राउजर्स भी इजिली रन ना करे, याद हो तो हम लोग कई बार एग्जाम्स देने चले जाते हैं और जहाँ पे हमारा जो नॉर्मल पूरी स्क्रीन होती है, तो जो एग्जाम वाली स्क्रीन होती है वो रन करने लगती है, उसके बाद अदर स्क्रीनें स्टॉप हो जाती है। तो ऐसी स्क्रीनों पे जब आप चले जाओगे जहाँ पे हाईली सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वहाँ पे ब्राउजर्स रन एप्लेट को 100% सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एप्लेट हो सकता है कि रन ना कर रही हो। The amount of memory that can be used by an applet is divided by the browser. अब decided कौन करता है इसको? Browser decide करता है. Whereas no such restrictions on application. Application तो आप normal जो हमारा compiler और interpreter होते हैं वही decide कर लेते हो. यहाँ पे memory कौन decide कर रहा है? हमारा browser decide कर रहा है. यानी कि सारा जो applet के लिए अगर हम बात करें तो applet हमारा सारा working किससे कर रहा है? हमारे browser के through ही working हो रही होती है applets की हमारी। अब एप्लेट का मेन पार्ट आता है, यानी कि हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट, यानी कि सारा काम हमारा जितना भी हम एप्लेट में कर रहे होते हैं इसकी लाइफ साइकिल से ही कंट्रोल किया जा रहा होता है। और ये लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो काफी बेटर फॉर्मेट में डिक्लेयर की गई है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है इन वेल डिफाइंड साइकिल। इसकी जो साइकिल जनरेट की गई है, बनाई गई है, वो काफी अच्छी बनाई गई है। हाँ, फिलहाल मैंने अपनी पीपीटी में उसका डायग्राम नहीं रखा है, लेकिन थ्योरी कंप्लीट है। अब इसमें और एक चीज देखेंगे, ट्रिवियल एप्लीकेशंस ओवरराइड अ सेट ऑफ मेथड दैट प्रोवाइड्स द बेसिक मैकेनिज्म। छोटी छोटी जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं ढेर सारे मेथड्स को ओवरराइड करती हैं और अपने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं, बाय विच द ब्राउजर और एप्लेट व्यूअर, अभी मैं एप्लेट व्यूअर पे आता हूँ, बाय विच द ब्राउजर इंटरेक्ट विद द एप्लेट और इट्स एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी लाइफ साइकिल होती है वो हमारे पूरे ब्राउजर के साथ वर्क कर रही होती है, और ब्राउजर के साथ वर्क करने की से इसका कंट्रोल पूरा मेंटेन किया जा रहा होता है ब्राउजर की हेल्प से। अब इसमें दो चीजें आप और देखोगे, एक ब्राउजर है और दूसरा एप्लेट व्यूअर। समटाइम्स हो सकता है कि किसी वजह से ब्राउजर उतना बढ़िया सपोर्ट ना कर रहा हो, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है एप्लेट व्यूअर, इसी एप्लेट के लिए ही बनाया गया है। और अभी आप देखोगे तो हम लोग रन भी एप्लेट व्यूअर की कीवर्ड की हेल्प से ही एप्लेट को रन करा रहे होंगे। तो जब हम एप्लेट व्यूअर की रन से हेल्प करा रहे होते हैं तो हमारा एप्लेट व्यूअर का विंडो फुल ओपन हो जाती है और उससे एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। तो इजीली आप इन दोनों से ही दोनों में से कोई भी होता अपने आप रन करने लगता है तो हमारा वर्किंग आ जाती है, लेकिन ब्राउजर होना कंपलसरी होता है, ताकि ब्राउजर होगा तभी आपका एप्लेट व्यूअर उसमें प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा होगा या होगा। जो इनके मेथड की बात की जा रही है वो आगे इसके मेथड दिए गए हैं, इनिट स्टार्ट स्टॉप डिस्ट्रॉय पेंट रीपेंट। यानी कि अगर हम फिर से इनको देखें तो हमने यहाँ पे 6 मेंशन किए हैं जो सबसे ज़्यादा यूज हुए, समटाइम्स अगर आप देखोगे तो 4 के अकॉर्डिंग कंसीडर किए जा रहे होते हैं। अब
अब फिर से अगर रिपीट करें तो आप ध्यान रखोगे, इसको याद करना है, क्योंकि आपका सारा एपलेट की लाइफ साइकिल काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारी एपलेट की लाइफ साइकिल में हमारे पार्ट कौन से हैं? इनेट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, पेंट एंड रिपेंट। पेंट और रिपेंट तो अगर ध्यान से देखें तो एक बार जो आपने वर्किंग की होगी उसी को दोबारा से काम करने के लिए रिपेंट मेथड होता है। हाँ, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन या अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो रिपेंट का यूज किया जा रहा होता है। तो इन छह को ही हम सारे पॉइंट को हम अलग अलग भी देखेंगे, शायद इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम भी होगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम भी, लेकिन इन्हीं को ही देखेंगे। अब जो हमने अभी ये छह पार्ट देखे थे इनको दो पार्टों में अलग से डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एप्लेट इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन। व्हेन एन एप्लेट बिगिंस AWT कॉल द फॉलोइंग मेथड। अब AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट का क्यों रिक्वायरमेंट है आपको लगने लगा हो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हमें इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट और पेंट के लिए AWT की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा हो जाती है। पेंट के लिए हमारा एप्लेट की भी रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि हम एप्लेट की हेल्प से ही भी पेंट करते हैं, क्योंकि वहां से भी उसका सपोर्ट रिक्वायरमेंट आती है। ग्राफिक्स का हमें कहाँ से चाहिए होगा? ग्राफिक्स हमें पेंट में AWT की, सॉरी, एप्लेट की हेल्प से मिल रहा होता है। When an applet is terminated, the following sequence of method call take place. यानी कि जब हमारा terminate होगा तो कौन होगा? Stop और destroy. तो जैसे ही हमारा AWT की हेल्प से हम ये तीन करेंगे, और तीन ना करके हम इनको अगर चार करें तो ध्यान रखिएगा रिपेंट भी इसी में ही आ जाएगा। AWT में ही हमारा रिपेंट भी आ जाएगा, पेंट के बाद रिपेंट जो था, तो AWT दोनों ही इसमें आ जाएंगे, पेंट और रिपेंट AWT के पार्ट आ जाएंगे। उसके बाद हमारे स्टॉप और डिस्ट्रॉय जब हमारा टर्मिनेट हो रहा होगा तब कॉल की जा रहे होंगे। इनिशियलाइजेशन के टाइम में तीन आते हैं, तो हम तीनों का इनिशियलाइजेशन भी अभी देखेंगे, इनिट, स्टार्ट और पेंट, और डिफरेंस ही बताएंगे कब और किसका डिफरेंस क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है, इसको हम लोग रन कराते हैं। वैसे इससे रिलेवेंट है, मैंने एक और प्रोग्राम बना रखा है तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। तो हम सबसे पहले, हाँ,